सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहां पे टाटा पावर की तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट ही लेके आ चुका। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पे देख ही पा रहे हैं, टाटा पावर में बहुत कर्मचारी चाहिए। हाँ गाइस, यहां पे टाटा पावर में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आ चुकी है। काम यहां पे आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होगा, 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा। महिला पुरुष मेल फीमेल सभी यहां पे आवेदन कर पाएंगे। हाँ गाइस, यहां पे मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। और यहां पे आप लोग जो सैलरी देख रहे हैं अवेलेबल है। गाइस, अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, आप लोगों ने पहले कहीं पे भी काम नहीं किया है, तभी भी आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली। ये आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे टाटा पावर सोलर में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, टाटा पावर सोलर में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। अप्लाई मोड की बात कर ले तो यहाँ पे थ्रो ऑनलाइन मोड ही आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, हर एक चीज में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नो एनी फीस रिक्वायर्ड। गाइस यहाँ पे आप लोगों को कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में आवेदन करते हैं। पोस्ट नेम की क्या क्या पोस्ट निकल के आ चुकी है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी है। गाइस यहाँ पे ट्रेनिंग की वैकेंसी है, यानी कि अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो भी आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में निकल के आ चुकी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है। हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे जो है आई टी डिपार्टमेंट में निकल के आ चुकी है, बहुत सारी डिप्लोमा की वैकेंसी है। गाइस यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, लीड इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हाँ गाइस, यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी निकल के आ चुकी है। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। अगर यहाँ पे क्या क्या लोकेशन निकल के आ चुकी है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, मल्टीपल लोकेशंस में आप लोग को यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाएगी अक्रॉस इंडिया। अगर इस भारतवर्ष के मल्टीपल लोकेशन में आप लोग को यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन अप्लाई इन टाटा पावर। अगर आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे टाटा पावर में बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद मेल फीमेल महिला पुरुष सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, दोनों ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह कैसे विजिट करना है, कहाँ पे लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। एज लिमिट की बात कर ले तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर पाएंगे। प्लीज डू चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर एज लिमिट डिटेल्स। अगर यहाँ पे आप लोगों को जो है अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, पोस्ट वाइज एज लिमिट डिटेल्स की जानकारी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन, तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ पे 100% फ्री फॉर ऑल कैंडिडेट। अगर हर किसी के लिए फ्री रखा गया है, यहाँ पे जनरल एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वुमेन्स हर किसी के लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है। आप लोग बिल्कुल फ्री में निःशुल्क में यहाँ पे आवेदन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुड सैलरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो एज पर टाटा पावर कंपनी रूल। अगर यहाँ पे आप लोगों को टाटा पावर कंपनी रूल के हिसाब से आपको जो है अपने काम और अनुभव के हिसाब से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया वेतन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू। अगर यहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो है देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई कर देंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा, संगम टाटा पावर डॉट कॉम। गाइस यहाँ पे हम लोग आपको कभी भी छोटी जॉब्स नहीं दिखाते, आप लोग ऊपर में जो है वेब एड्रेस भी देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन में क्लिक कर देंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग जो है गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल में भी है, लीड इंजीनियर की भी है, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की है, यहाँ पे बहुत सारी डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ चुकी है। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला जॉब चाहिए, तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस जॉब का पूरा जो है यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे सामने। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस यहाँ पे अप्लाई वाला बटन
आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने गाइस कुछ ऐसा वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो गाइस मैंने पहले आप लोग को जैसे वादा किया था, मैं आपको यहाँ पे पूरा अप्लाई का प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, यहाँ पे अपना सेकंड नेम है तो दीजिए, इसके बाद लास्ट नेम लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना दीजिए, पासवर्ड को फिर से लिख दीजिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, इसके बाद ईमेल आईडी को फिर से लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पे यस में टिक मार्क कर दीजिए, यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्टर एंड अप्लाई में क्लिक कर देंगे, आप लोग का यहाँ पे सक्सेसफुल आवेदन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।